सो दोस्तों, अगर आप भी व्लॉगर हो और आपको नहीं पता कि माइक को कैसे लगाना गिम्बल के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 100% सोल्यूशन कि अगर आपको रिकॉर्ड करना है हाई क्वालिटी के साथ अपने ऑडियो को व्लॉगिंग वीडियोज़ के लिए, और आपको नहीं पता लग रहा है कि यार मुझे माइक को कैसे लगाना है, कैसे प्लेस करना है, कैसे यूज़ करना है अपने गिम्बल के साथ, तो सब कुछ आपको समझाने वाले इस वीडियो के अंदर। सो कौन सी आपने एक्सेसरी बाय करनी है कि जिसकी वजह से आपका माइक प्रॉपरली अटैच होएगा गिम्बल के साथ, और सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ आप रिकॉर्ड कर पाओगे बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ अपने ऑडियो को। बहुत ही कमाल की प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग हमारी आज की वीडियो होने वाली है सुबह टाइम में, इसकी चलिए करते हैं। सो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे है सारा सेटअप और कैसे हमें लगाना है अपने माइक को गिम्बल के ऊपर कि जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड कर पाओ काफ़ी अच्छा ऑडियो अपने नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर। पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, कि सबसे पहले मैं माइक को लगा रहा था गोरिल्ला पॉड के ऊपर कुछ इस तरीके से, और फिर मैं लगा रहा था अपना फ़ोन यहाँ पे, और फिर मैं ऐसे करता था अपने व्लॉग को शूट। पर यहाँ पे बात आती जब सिनेमैटिक शॉट्स की, सिनेमाटोग्राफी की, तो फिर मुझे अपने फ़ोन को उठा के लेके आना पड़ता था यहाँ पे। पर ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे अपना फ़ोन यहाँ से उतार के फिर से मुझे यहाँ पे लगा के कुछ इस तरीके से ऑडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। और फिर मैंने सोचा कि मैं किस तरीके से एक ही जगह पे सब कुछ अटैच कर दूं कि मेरा माइक भी यहाँ पे अटैच हो जाए गिम्बल के ऊपर और मेरा फ़ोन भी यहाँ पे लग जाए, कि जिसकी वजह से मेरा टाइम से वो और मैं अच्छे से और अच्छे तरीके से अपने व्लॉग्स को शूट कर पाऊँ। और सबसे पहले हम लेके आते हैं अपने गिम्बल को, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या समझाने वाला हूँ कि कैसे हमने लगाना है, कैसे अटैच करना है और कैसे अपने माइक को यूज़ करना है। पर सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ वो वाली एक्सेसरी जिसको आपको बाय करना है, और यहाँ पे है मेरे पास एक कमाल का होल्डर कि जिसके ऊपर आप लगा सकते हो कोई भी माइक। और अगर आपके पास कोई भी माइक है, आपके पास रोड का माइक है, बोया का माइक है, या फिर आपके पास है एक वायरलेस माइक, तो कोई भी माइक को आप इसके ऊपर लगा के अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसकी जो सी क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। और आपके पास कोई भी गिम्बल है तो हर एक गिम्बल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने नीचे आना है अपने गिम्बल के नीचे, और नीचे आके आपने अपने होल्डर को कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है, इस स्क्रू को आपको यहाँ पे लगा के टाइट कर देना है फटाफट, और इसको आपको टाइट करना है यहाँ पे पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से। और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको माइक की पोजीशन कहाँ पे रखनी है, आपको माइक फ्रंट पे रखना है या फिर रियर पे रखना है, जहाँ भी आपको रखना है तो उस तरीके से आप इसको लगा के इसको टाइट कर सकते हो। और फिर हम लेके आएंगे अपनी मिनी ट्राइपॉड को और यहाँ पे ला के इसको कर देंगे टाइट कुछ इस तरीके से, और इसको आपको पूरा पूरा टाइट करना है कि जिसकी वजह से आपका माइक और आपका गिम्बल अनबैलेंस नहीं होगा। और अभी जो मेरे पास यहाँ पे शॉटगन माइक है, इसका नाम है बोया का BY-MM1, जो कि काफ़ी अच्छा माइक है। और माइक के नीचे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से होल्डर कि जिसको आपको फिक्स करना है यहाँ पे, जो आपको ये नट दिख रहा है माइक का, इसको आपको टाइट करना है कि जिसकी वजह से आपका माइक प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। और इसको मैं लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ला के ये फिट हो चुका है, और इसके नट को जो सा आपको मैंने बताया नट, और इसके नट को मैं यहाँ से करूँगा टाइट कि जिसकी वजह से फिक्स हो जाएगा। और ये होल्डर काफ़ी कमाल का है, आप अपने माइक को तो लगा ही सकते हो, और माइक के साथ साथ अगर आपने कोई लाइट लगानी है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, और अगर आपने कोई और एक्सेसरी को अटैच करना है तो यहाँ पे वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट कि हम अपने माइक को कैसे लगाएं, मतलब कि हमने माइक तो फिट कर दिया है, पर जब बात आती है केबल को अटैच करने की, तो यहाँ पे हमारा फ़ोन रहता है पूरा फिट कि जिसकी वजह से हम अपने केबल को यहाँ पे अटैच नहीं कर पाते हैं। पर सबसे पहले आप सबके लिए एक बोनस टिप है कि अगर आपके फ़ोन के अंदर ऑप्शन है 3.5 mm हेडफोन जैक का, तो फिर आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए आईफोन 14 के साथ मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक अडॉप्टर, जो कि है लाइटनिंग टू हेडफोन जैक, और ये 100% ओरिजिनल केबल है एप्पल की, जो मैंने बाय की अमेजोन से, जिसका मुझे प्राइस पड़ा है यहाँ पे 900 रुपीज़, मतलब कि 900 के आसपास, 1000 रुपये के आसपास आपको ये वाली केबल मिल जाएगी, लाइटनिंग टू हेडफोन जैक अडॉप्टर। और यहाँ पे बहुत सारे बंदे मिस्टेक्स करते हैं कि वो यूज़ करते हैं डुप्लीकेट केबल कि जिसकी वजह से उनका माइक प्रॉपरली वर्क नहीं करता है फ़ोन के साथ। अगर आप यूज़ करोगे डुप्लीकेट केबल जो कि आती है 100 रुपये की, 50 रुपये की या फिर 200-300 रुपये की, उसके अंदर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, और जो आपका आउटपुट होगा ऑडियो का वो बहुत ही ख़राब आएगा, और आपको ऐसा फील आएगा कि आपका माइक नहीं काम कर रहा है। और आपके पास कोई भी फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, ओप्पो का है, वन प्लस है, या फिर आपके पास वीवो का फ़ोन है, तो उसकी आपने ओरिजिनल केबल लेनी है। और अगर आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आपने यूज़ करनी है यहाँ पे ये वाली केबल, जो कि हमारे पास यहाँ पे USB Type-C2 हेडफोन जैक। आपको देखने में लगेगा कि ये केबल्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, पर जो इनका रिस्पॉन्स है, जो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर कि कैसे आपने लगाना है अपने माइक को अपने फ़ोन के साथ, कैसे अटैच करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं होती है, और बिना जगह के, बिना ऑप्शन के हम कैसे लगाएंगे अपने फ़ोन को अपने माइक के साथ। और सबसे पहले आपने इसको अटैच करना है अपने माइक के साथ कुछ इस तरीके से, उसकी केबल के साथ।
और फिर आपने लेके आना अपना फ़ोन और इसका आपको उतारना कवर, कवर लगा के मत यूज़ करना गिम्बल के ऊपर, नहीं तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि आपने अपने फ़ोन को लगाना है कुछ इस डायरेक्शन में और ऐसे आपने अपने फ़ोन को लगाना है, ठीक है। पर जैसे हमारा फ़ोन यहाँ पर लग जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि कैसे हम उसको लगाएंगे और कैसे अटैच करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बनानी है स्पेस, मतलब कि आपको जगह क्रिएट करनी है कि जिसकी वजह से आपका ये वाला केबल यहाँ पे फिट हो जाए। तो फिट करने के लिए आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा अपने फ़ोन को, और कुछ इस तरीके से आपने इसको आगे करना है कि जिसकी वजह से आपका ये वाला केबल यहाँ पे फिट हो जाए, लाइक कुछ ऐसे, ओके। और आपने इस तरीके से इसको लगा देना है और हल्का सा आपने पीछे करना है। आपके पास कोई भी ब्रांड का गिम्बल है उसको आपको पहले बैलेंस करना है। और यहाँ पर हमेशा एक चीज़ को नोटिस करना कि आपने जब भी अपना गिम्बल यूज़ करना है तो उसको प्रॉपरली आपने बैलेंस करना है, और आपने चेक करना है कि आपका फ़ोन ऐसे ना गिरे और ऐसे ना गिरे। अगर आपका फ़ोन ऐसे गिर रहा है या फिर ऐसे हो रहा है, इट मींस कि आपका गिम्बल प्रॉपरली बैलेंस नहीं हुआ है। और सबसे पहले इसको मैं करूँगा बैलेंस, और मुझे अपना फ़ोन लेके आना सेंटर में कि ये नीचे ना गिरे, और लाइक कुछ मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा फ़ोन प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है, और यहाँ से मैं करूँगा अपने गिम्बल को स्टार्ट, और यहाँ पे मेरा गिम्बल स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कमाल का मेरा सेटअप बन चुका है, और यहाँ पे है आपके पास आपका माइक जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जिनको नहीं पता है कि माइक को कैसे लगाना है और कैसे रिकॉर्ड करना है ऑडियो को, और कौन सी केबल का यूज़ करना है और कैसे बैलेंस करना है, कि जिसकी वजह से वो भी नेक्स्ट लेवल ब्लॉग्स को शूट कर पाएंगे और उनको भी हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक को यूज़ करके, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने माइक को लगाया हुआ है कि जिसकी वजह से मैं अपनी व्लॉगिंग वीडियोस के अंदर अच्छी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और मुझे आप बताना माइक को यूज़ करके और बिना माइक को लगा के आपको क्या डिफरेंस लग रहा है ऑडियो के अंदर। और अगर आपने यहाँ से मूवमेंट भी करनी है, आपके पास कोई भी फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास, आईफोन है, कोई भी फ़ोन है, उसके अंदर आपको मिलेगी कमाल की स्टेबिलिटी क्योंकि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो गिम्बल को। और प्रोफेशनल व्लॉग को शूट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से माइक को लगाना पड़ेगा जो कि आपको देगा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपकी व्लॉगिंग वीडियोज़ के अंदर। सो दोस्तों, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना माइक के, और मैंने यहाँ पे माइक को उतार दिया है, और आप मुझे जाना कि माइक के साथ और बिना माइक के साथ आपको कैसी लग रही ऑडियो क्वालिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप बहुत अच्छी तरीके से कहीं भी आप सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो, और जहाँ भी आपने कुछ बोलने वाला पार्ट करना वो भी आप कर सकते हो। पर अगर आप माइक को यूज़ करके व्लॉग्स को शूट करोगे तो आपको नॉइज़ कम आएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि बिना माइक के आसपास काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है जो कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है व्यूअर्स के लिए। और अगर आप चाहते हो अच्छे से व्लॉग को शूट करना तो आपको एक माइक लगाना पड़ेगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प देगा आपकी व्लॉगिंग वीडियोस के अंदर। सो कुछ इस तरीके से आपने माइक को यूज़ करना है अपने गिम्बल के ऊपर लगा के, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। और इसका प्राइस आपको पड़ेगा 500-600 के आसपास अमेजोन के ऊपर। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।